तो जरा शर्म नहीं है, मैं चटनी तुम्हारी बोलते चटनी हो? उठाने के लिए रह गई, बस अब गंदी चटनियां तुम्हारी उठाऊं मैं, नौकरानी तुम्हें मिल गई है, तमीज से बात करो। नौकरानी किया क्या तुमने मेरे लिए? ये अपनी तस्वीरें और अपनी ये यादें उठा के ना अपने साथ अपनी बुचकड़ी में बांध के ले जाना, ठीक है? समझ आई? मैंने दोस्त को फोन कर दिया, डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं, बस जो शर्म अब ये मैं और ये जो चीजें मैं और शर्म कहाँ जा रही हूँ? पीछे रिलैक्स यार, हो पीछे जाओ, रिलैक्स हो पीछे जाओ इसी। पीछे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं रुश्मा के साथ जो प्रैंक करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद मैं ये प्रैंक करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये पहले प्रैंक नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं ये प्रैंक कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है। लेकिन मैं प्रैंक में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कि आपको टाइटल और थंबनेल पे नजर आ रहा है, तो ये वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं रुश्मा से बहुत प्यार करता हूँ दिल से यार। तो खैर, कैमरास को सेट करते हैं, अपना प्रैंक स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद लड़ने के लिए तो मुझे कोई बहाना चाहिए ही नहीं। गीला टॉवल फेंको, कपड़े इधर उधर फेंको, लड़ाई लग गई तो लड़ाई लगाते और अपना काम निकालते। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ के बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, तमाशा लगाना। देखो आपका भाई कैसे तमाशा लगाते हैं, अभी देखना। रुश्मा, रुश्मा अंदर आओ। यार मैंने तुम्हें कितनी दफा तुम्हें मैंने बोला है कि मेरे कपड़ों को मत छेड़ा करो, तुम मेरे कपड़ों को क्यों छेड़ती हो? मेरे कपड़े यहाँ पे टी शर्ट्स पड़ी थी मेरी, मेरी टी शर्ट्स कहाँ है? अरे वो लॉन्ड्री के लिए गई है ना, गंदी। क्या लॉन्ड्री के लिए गई है? हर चीज मेरी गंदी होती है, एक दफा मैंने पहनी है वो गंदी कैसे हो गई? अरे आपने मुझे बताया हर चीज गंदी होती है, कि वो उसमें गंदी टी शर्ट्स भी तुमने रखी हुई थी, तो वो तुमसे टी शर्ट्स गंदी टी शर्ट्स मैंने रखी थी, मेरी थी ना यार, वो गंदी हो साफ हो जो भी है वो मेरी है, तो मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, तुम्हें कितने तो बार समझाना पड़ेगा? नहीं है मैंने, क्या हो गया? अजय ही कल वॉश होके सारी गंदी टी शर्ट तो मंदिर अलमारी में रख दिया, तो सारी मैंने निकाल के वो रखी है धोने वाली, मुझे समझ नहीं आता साफ कपड़े कौन से हैं तो गंदे कपड़े कौन से हैं। तुम तो मेरे क्या हो कपड़ों को गया हाथ कामिल, मत लगाया करो, तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला है? तो मेरी हर चीज में क्यों घुसती हो यार? तुम कौन घुसेगा तुम्हारी हर चीज में? अगर तो मुझे नहीं जरूरत यार, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे नहीं जरूरत। तुम्हें नहीं तुम आता, हर दफा तुम अभी भी बच्चे हो कामिल। तुम रुश्मा, तुम मेरी टी शर्ट में क्यों हाथ मारती हो? मैं बहुत तंग हूँ तुमसे, तुम्हें मैंने हजार बार मना किया है, मैं बहुत तंग हूँ तुमसे। पता नहीं कौन से तुम, किस जन्म से किस 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 जुबान में समझते हो मुझे वो बता दो, मैं तुम्हें उस जुबान में समझा दूँ। फिर कल मुझसे टी शर्ट क्यों मांग रहे थे कि मेरी वो वाली टी शर्ट? तो नहीं मिलते मुझे मेरे कपड़े, नहीं मिलते। मैं गर्मियों की, गर्मियों के कपड़े मैं सर्दियों में पहन रहा हूँ, सर्दियों के तो मैं आगे पता नहीं कब पहनूंगा, क्योंकि तुमने संभाली ऐसी जगह पे होता है कि वो कभी मिलते ही नहीं है, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या। मैं किसी घर में उसमें दफन कर दी जो मैं मिलते ही नहीं है, और व्हाट अबाउट योर चड्डीज जो तुम वॉशरूम में ऐसे बेधरंगे उसे फेंक के चले जाते, तो मैं तो जरा शर्म नहीं है, मैं तुम्हारी चड्डी उठाने के लिए रह गई, बस अब गंदी चड्डियां तुम्हारी उठाऊं मैं, नौकरानी तुम्हें मिल गई है, तमीज से बात करो। नौकरानी किया क्या तुमने मेरे लिए? तुम्हारी किया गंदी क्या चड्डियां उठा सिवाय के रख लड़ने दी के है, तो चार तुम्हारा काम किया मैंने, तुम्हारी गंदी टी शर्ट उतार के मैंने लॉन्ड्री में ली है उठा के। ये देखो मत करो मेरा काम, तुम्हें कौन कहता है मेरा काम का जमाना नहीं है तो नहीं, कौन करेगा? मेरी चड्डियां नहीं है, पहली बात उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको बॉक्सर बोलते हैं, चड्डिया नहीं बोलते। दूसरी बात, मेरे कपड़ों के अंदर आज के बाद हाथ नहीं मारना तुम्हें, मैं ये 10 दफा कह चुका हूँ, मैं इसके बाद 11वीं दफा मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं 11वीं दफा बोलने के लिए तुम होगी ही नहीं। तुम सारा दिन घर पे होते हो? हाँ मैं सारा दिन घर पे हूँ ना हूँ, तुम मेरे मैं अपने कपड़े खुद कर दूंगा। बोला ऑन द स्पॉट तुमने किया किया तुमने, हमेशा कल कर दूंगा परसों कर दूंगा, बस यही मसला है कि तुम्हारी चिक 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 खत्म नहीं होती, बस मैं घर आने की देर होती है कि तुम्हारी चिक 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 शुरू हो जाती है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है रुश्मा, मेरे दिमाग में जो थोड़ा सा दिमाग था ना वो भी तुम खा चुकी हो, पता नहीं किस किस्म की औरत हो यार तुम, इतना क्यों खड़े पड़े हो? क्या हो गया? क्या तूफान आ गया? मैं तुमसे बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरी चीजों में क्यों हाथ मारती हो तुम? मेरी चीजों में क्यों हाथ मारती हो? इस चीज को छोड़ो, तुम मुझे सोने के लिए रात को तुम जगह कितनी सी देते हो? इतनी सी तुम मुझे जगह देती हो जैसे मुर्गी का बच्चा सो रहा हो साथ, इतना बड़ा संडा आदमी हो इतनी सी जगह पे सोएगा? अपनी अकल कभी इस्तेमाल किए तुमने? अगर दिमाग है प्रॉपर जगह मिलती है सोने के लिए, ये प्रॉपर जगह कौन सी? इतनी सी जगह कौन सी प्रॉपर जगह होती है? इतनी इतनी सी जगह पे मैं सोता हूँ, आधे इंच की जगह पे, इतना
आधे फुट की जगह पे इस बात पे क्या हो गया? मैं रश्मा तंग हूँ तुम्हारी इस खिचखिच से, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस अब मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी, बस जुबान इतनी लंबी है तुम्हारी, पता है शायद छोटी बता रहा हूँ क्योंकि वो इतनी लंबी जुबान है तुम्हारी। बहाना नहीं ढूंढ रहा, इग्नोर कर रहा था, लेकिन मेरी हर चीज के अंदर घुसना बंद कर दो, ठीक है? मेरी हर चीज में मत घुसा करो, मेरे कपड़ों में मत घुसा करो, मेरी वॉशरूम पड़ी रहने दिया करो, मेरा वॉशरूम मेरा वॉशरूम है, फेंकूंगा मैं जहां मर्जी फेंकूंगा, मेरा टॉवल है मैं फेंकूंगा, मेरा टॉवल है मैं फेंकूंगा। आज के बाद तुम मुझे नहीं रोकोगी कि मेरा टॉवल फेंको, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं तुम्हारे मुंह पे नहीं आ रहा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके क्यों? इतनी लंबी जुबान है ना, उसको कौन रोके? यही तो मसला है कि तुमने आज तक कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि गलत है क्या, कि तुम कभी गलत भी कर सकती हो। ओ मैंने गलत किया, ऐसा तो नहीं, ये तो तुम हो। क्यों इतना भरे पड़े हो? जो हंसी आई तुम पे क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो, बट स्ट्रॉन्ग विद यू। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी टी शर्ट लॉन्ड्री के लिए दे दी है, तुमसे पूछ रहे कि तुमने बेड पे टॉवल क्यों फेंका? गलत क्या हुआ है? तुम्हें पता ही नहीं है कि लड़ाई किस चीज की है? तुम्हें खुद नहीं पता कि लड़ाई किस पे करनी है? किंडरगार्टन से निकली हुई बच्ची नहीं हो रश्मा कि मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजें समझाता फिरूंगा? बात तो सही है, तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम शादीशुदा हो, 4 सालों में मुझे तो सुख दे नहीं सकी, तो कुछ पल्ले बांध लो अपने, कुछ सीख के। मैं यार तंग आ चुका हूँ, मैंने फैसला कर लिया बस। अच्छा, मैं किसी फैसले पे आना चाहता हूँ, मैं किसी फैसले पे आना चाहता हूँ, मैं किसी फैसले पे आना चाहता हूँ बस। बस मुझे नहीं जाना, छोटी सी बात। yes, चलो ये छोटी सी बात है, सोने वाली भी छोटी सी बात है। हाँ, तुम्हें पूरी प्रॉपर जगह मिल गई यहाँ पे। उसको भी छोड़ो, जब शादी करके तुम आई थी, ठीक है, जब शादी करके तुम आई हो, पहली दफा जब मैं तुम्हारे साथ बैठा मुझे तभी रियलाइज हो गया था जब तुमने वो बिस्किट चाय के अंदर डिबो डिबो के खा रही थी, मुझे उसी वक्त पता चल गया था। मैंने कहा यार इसके साथ मैं क्या जिंदगी गुजार लूंगा। अल्लाह माफ करे, मैं खा रही थी कि तुम खा रहे थे? मैं खा रहा था, तुम खा रहे थे। ओह माय गॉड, अब ये किसको बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि चाय में बिस्किट डिबो डिबो के कौन ही खाता है? सीरियसली कामिल, हर चीज का ब्लेम तुम मेरे पे डाल दोगे? अरिश्मा मैं तुम्हारे से बहुत, मैं क्या, तुम झूठ बोल रही हो यहाँ? आई एम नॉट लाइंग। तुम मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो, तुम क्या मुद्दा है कि जगह कम देते हो और देती हो? यही छोटे छोटे मसले इकट्ठे हो गए ना, बड़ा मसला बनते हैं। बड़ा मुद्दा बनते हैं तो वो फिर संभाला नहीं जाता, और मुझे वो संभालना है ही नहीं, क्योंकि मैं वो मुद्दा बनने से पहले ही उसको खत्म कर दूंगा। मैं किसी फैसले पे आ रहा हूँ रश्मि। क्या फैसले पे आ रहे हो? बस मैं किसी फैसले पे आ चुका हूँ। क्या चाहते हो? Oh no! एमी फजूल में लड़ते जा रहे हो, क्या हो गया? Relax हो यार। Don't touch me. हाथ पीछे रश्मा, नहीं बस। मेरे में इमोशन मर चुके हैं। मेरे बाबा गया खड्डे में, मेरे इमोशन मर चुके हैं। ओके आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो आपकी टीचर्स गंदी थी इसलिए मैंने लॉन्ड्री में दी थी, आई एम सॉरी। ओके अगर आपको बुरा लगा, आपने पहननी थी कल तक, आपको सुबह तक आपको मिल जाएगी, ठीक है? मैं अभी मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, सुबह तक लॉन्ड्री से वो आ जाएगी, डोंट वरी। कितनी ऑसम है यार। नाउ रिलैक्स, आओ चाय पीते हैं। बात सॉरी से बहुत आगे चली गई। बात सॉरी से बोलते हैं, बाहर चलते हैं, चाय वगैरह। बाहर नहीं चलते, बाहर नहीं चलते रश्मा। ये बात आज यहाँ पे फाइनल होगी, और यहीं पे होगी, खड़ी हो जाए यहीं पे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना रश्मा। हाँ, आई केम टू कंक्लूजन, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्यों क्यों नहीं रहना? इट्स हार्ड टू से, लेकिन क्या एक्टिंग कर रहा है? मुझे अलहदा होना तुम्हारे से। ओह नो, कि मैं तुम्हें जगह नहीं देती हूँ बेड पर, या मैं तुम्हारा गन से मेटती रहती हूँ, उस बात पे तुम्हें मुझे छोड़ना? मैं तुम्हारी इतनी किडिश बात पे तुम क्यों बोल रहे हो? बात नहीं है तुम्हारे लिए, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी गलती है कहाँ, क्योंकि तुम गलतियां ही हर बार पे तुम गलती करते, लेकिन तुम्हें कभी एहसास नहीं होता। आप गलतियां ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें चाहिए बहाना, मेरे रश्मा को बातें बैठी हैं बहुत सालों से इग्नोर करता रहा हूँ, मैं घुट घुट के जिंदगी जी रहा हूँ, घुट घुट के जिंदगी जी रहा हूँ, ऐसे जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी है। आधा सांस छोड़ता हूँ, आधा सांस मेरा अंदर ही रह जाता है कि छोड़ूं कि ना छोड़ूं, उठूं तुम्हारी मर्जी से, सोऊं तुम्हारी मर्जी से, जाऊं तुम्हारी मर्जी से, आऊं तुम्हारी मर्जी से, और हगूं तुम्हारी मर्जी से, खाऊं तुम्हारी मर्जी से, नहाऊं तुम्हारी मर्जी से। बोलती रहो अपने आप को, या मुझे बोल लेने दो या खुद बोल, क्योंकि मैं अपनी सफाई में कुछ पेश ना करूँ। ये सब कुछ जो मैंने तुम्हें गिनवाया है, ये सब कुछ करने के बाद भी तुम एक
रत्ती बराबर भी तुम खुश हो मुझसे तो ये तो मुझे बता दो। आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर नॉट हैप्पी। आई एम। यू आर हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड नॉट विद मी। मुझे तो तुम यार मैं तुम क्यों अपने आप को गलत नहीं यार तुम आई एम सॉरी ठीक है आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ दोबारा बहस में पड़ रहा हूँ। अच्छा, तुम कभी गलत पीछे यार पीछे 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 मेरे साथ इमोशनल मत हो। मेरा हाथ मत छटक। मेरे साथ इमोशनल तो मुझे टच मत करो। दैट्स माय बॉडी आई हैव। ओके फाइन आई हैव सम राइट्स। ओके राइट्स से याद आया वो तुम्हारी वो जो लॉयर फ्रेंड है मुझे उसका नंबर दे दो प्लीज मैंने उससे जरा कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? बस मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे बात करनी है। तुम सीरियस हो? हाँ मैं सीरियस हूँ। इतनी छोटी सी बात? ये छोटी सी बात नहीं है। मैं चार सालों से घुट घुट के जी रहा हूँ। तुम्हें क्या पता हो? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या ही पता हो क्योंकि तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। सही मानो में पूछो कभी तुमने मुझे जानने की कोशिश नहीं की कि यार इसे क्या चाहिए। बट बड़ी प्यारी चीज है। इसे क्या चाहिए? इसे क्या चाहिए? आई डोंट गिव यू परमिशन प्लीज Stay away. तुमने मुझे नहीं देना नंबर। I'm sorry, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया है रिश्मा। तुम कैसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? तुम पागल हो? मुझे नजर आ रहा है ऐसे क्या कर रहे हो? ये देखो सी कामिल। मैं जो नजर आ रहा हूँ वाइफ अब नहीं ठीक है। अब मैंने फैसला ले लिया। क्यों? जस्ट बिकॉज मैं आपकी चीजों में घुस गई? जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी जुबान इतनी लंबी है? जस्ट बिकॉज कि तुम हर चीज में मानती हो घुसती हो? जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी कभी कोई गलती नहीं होती? जस्ट बिकॉज कि तुम मेरे साथ इतने साल रहने के बाद भी खुश नहीं हो? जस्ट बिकॉज कि तुम चाय में बिस्कुट डिबो के खाती हो? जस्ट बिकॉज कि तुम मुझे बेड पे सोने के लिए जगह नहीं देती? जस्ट बिकॉज यार पीछे हटो। मैं अपने दोस्त को खुद फोन करूंगा। हेलो कामिल पागल हो? इन तस्वीरों को देख के कोई मोहब्बत नहीं जाग जानी तुम्हारी? पर ना मेरी जाग जानी है। पीछे होके उधर होके रो थोड़ा सा। फासले पे रो। फासले पे फ्लोर मत गंदा करो। ये अपनी तस्वीरें और अपनी ये यादें उठा के ना अपने साथ अपनी बुचकड़ी में बांध के ले जाना ठीक है? समझ आई? मैंने दोस्त को फोन कर दिया। डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं। बस अब ये मैं और ये चीजें मैं और कहां जा रही हूँ? यहाँ पे खड़ी रहो। खड़ी रहो यहीं पे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। घर का बड़ा अगर बात कर रहा हूँ ना तो सुनते हैं। मेरे साथ ये फजूल ये मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करना। ये उतारो अपनी तस्वीरें और ये अपनी यादें साथ लेके जाओ। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन लगाऊंगा। अपनी वीडियो गेम मैं कर रही हूं जस्ट बिकॉज़ मैंने इस इंसान की टी-शर्ट उठा के रख दी। टी-शर्ट की बात नहीं है। जगह नहीं देती सोने के लिए। छोड़ रहा है मैं क्या बोलूंगी सब कुछ तो मुझे क्यों छोड़ रहा? कहना मैंने उसका जीना हराम कर दिया था। मैं उसे घुट घुट के जीती थी। हाँ तुमने मेरी गर्दन पकड़ी है। मैं वही तो तुम्हें बता रहा हूँ। मैं आधा सांस छोड़ता हूँ आधा मेरा अंदर ही रह जाता है क्योंकि तुमने मेरी गर्दन पे हाथ रखा हुआ है। मैंने तुम्हारा सुबह पेपर्स आ जाएंगे साइन कर देना चुप करके। मैं नहीं करूंगी। सुबह पेपर्स आ रहे हैं तुम पेपर साइन कर देना। ये छोटी बात नहीं होती है सेपरेशन। ये बहुत बड़ी चीज है। तुम क्या पागल हो? तुम बच्चे हो छोटे। आई नो दैट रिश्मा बट इट्स ओवर नाउ। सॉरी वी कैन फिक्स इट। इट्स ओवर नाउ। सॉरी कामिल। इट्स ओवर नाउ। आई एम सॉरी बेबी। इट्स टू लेट हनी। आई एम सॉरी। इट्स टू लेट। आई एम सॉरी। इट्स टू लेट रिश्मा। आई एम सॉरी। सॉरी मैंने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। It's too late for sorry now. It's too late for sorry now. मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। बस रो नहीं, रो नहीं। अच्छा मजाक कर रहा था। अच्छा ना बस 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 ना रो नहीं। मजाक कर रहा था। प्रैंक कर रहा था। प्रैंक कर रहा था बस। अच्छा ना नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मजाक कर रहा था। प्रैंक कर रहा था। प्रैंक कर रहा था। प्रैंक कर रहा था ना। अरे रोने क्यों लग गई हो? अच्छा ना बस प्रैंक कर रहा था। अल्लाह की कसम प्रैंक कर रहा था। वो देखो मैंने कैमरा लगाया। वो देखो
वो देख लो मैंने कैमरा लगाया। अच्छा प्लीज फ्रेंड सॉरी। क्यों ऐसे प्रैंक करते हो? मैंने प्रैंक करना था ना। मुझे समझ ही नहीं आ रही तुम क्या बोली जा रहे हो। रिक्वेस्ट थी ना, मैंने प्रैंक कर दिया। आई एम सॉरी ना, रो नहीं ना, मुझे खुद रोना आ गया। प्लीज रो नहीं, प्लीज प्लीज। मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। करवा लिए, खुश हो गए आप? वो रोइए, दुख मुझे हुए। चल झूठा। लेकिन आप लोगों से भी मोहब्बत मेरी है तो प्रैंक करना पड़ना था। ऐसी रिक्वेस्ट ना करना जिसके अंदर उसको रोना आ जाए। ऐसे करना कि उसको ज्यादा रोना आ जाए। बस ऐसी हरकतें नहीं करनी। वीडियो को अगर एंड तक देखा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मामला यहाँ पे सीरियस हो गया, इस वजह से वो एंडिंग के लिए नहीं आ रही। अब मुझे लगेंगे घंटे दो घंटे, बहुत खर्चा करवाते यार तुम लोग मेरा। अब उसको मनाना पड़ेगा, तो लाइक करके जाना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।